हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एसएससी स्टेनोग्राफर एडमिट कार्ड 2023 की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए एडमिट कार्ड की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। कैसे, कब और कहाँ से आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन BSSC ने स्टेनोग्राफर और इंस्ट्रक्टर स्टेनोग्राफर के खाली पदों को भरने के लिए कुछ दिनों पहले कैंडिडेट से आवेदन पत्र मंगाए थे। 232 नंबर ऑफ वैकेंसी थी यहां पर इन पोस्ट के लिए। सिलेक्शन आपका रिटन एग्जाम, स्टेनोग्राफी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर होगा। तो यहाँ पर अब आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है। इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेने होंगे। डेट्स की अगर बात करें तो ऑनलाइन फॉर्म्स कैंडिडेट से इस भर्ती के लिए 15 मई 2023 से 14 जून 2023 के बीच में एक्सेप्ट किए गए थे। एग्जाम यहां पर आपका, जी हां दोस्तों, आपका बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए एग्जाम 30 जुलाई 2023 को कंडक्ट होने जा रहा है। आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करके 30 जुलाई 2023 को एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। रिटन टेस्ट में आप अपने एडमिट कार्ड एग्जाम कंडक्ट होने से 2 या 3 दिन पहले बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर बिहार एसएससी स्टेनोग्राफर एडमिट कार्ड 2023 लिंक पर क्लिक करना है और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ये ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर आकर आपको सूचना पट के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की सभी नोटिसेस की पीडीएफ खुल जाएंगी या फिर डिटेल्स खुल जाएंगी। यहां पर आकर आपको बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन स्टेनोग्राफर इंस्ट्रक्टर स्टेनोग्राफर के एडमिट कार्ड का लिंक सर्च कर लेना होगा। जैसे ही आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा, आपके एडमिट कार्ड का लिंक यहां पर एक्टिव कर दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, आपका बिहार एसएससी स्टेनोग्राफर एडमिट कार्ड 2023 का लिंक यहां पर आपको एक्टिव कर दिया जाएगा। यहां पर उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करके आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हुए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना होगा। जैसे कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड या फिर अपना नाम, नेम और अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करके आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना होगा। आपका एडमिट कार्ड आपके सामने कुछ इस तरह से शो होगा। इसमें आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी जाएगी, कहां पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, किस टाइम आपको रिपोर्ट करना है, कब से कब तक आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, किन किन चीज़ों को आप एग्जाम में कैरी कर सकते हो, किन चीज़ों को आपको एग्जाम में कैरी नहीं करना है, सभी डिटेल्स और जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको आपके एडमिट कार्ड में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आपको उन्हें केयरफुली रीड करना है और उसके बाद अपने एडमिट कार्ड का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है। अपने एडमिट कार्ड के हार्ड कॉपी प्रिंट आउट और एक फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ आपको एग्जाम में पार्टिसिपेट करना होगा। तो दोस्तों, ऐसे आप अपना बिहार एसएससी स्टेनोग्राफर का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही एग्जाम डेट की नोटिस की पीडीएफ का लिंक दिया गया है। इस लिंक पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हो कि आपका बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन स्टेनोग्राफर का एग्जाम 30/7/2023 को कंडक्ट होने जा रहा है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपका एग्जाम 30/7/2023 को कंडक्ट होगा और एग्जाम कंडक्ट होने के 2 या 3 दिन पहले आपको आपके एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। यहाँ पर बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, ऐसे आप अपना बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन स्टेनोग्राफर का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।